उज्जैन जिले के अजाक थाने पर पूर्व पार्षद और शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। दरअसल शहर कांग्रेस अध्यक्ष तेजू बाबा ने 24 अगस्त को अजाक थाने में आवेदन दिया था कि कांग्रेस नेता हिमांशु जोशी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और गंदी गंदी गालियां देकर जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है। तेजू बाबा खुद के दिए गए इस आवेदन पर प्रकरण दर्ज नहीं होने से नाराज थे। पुलिस थाने के बार बार चक्कर लगाने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से परेशान तेजू बाबा ने आज अजाक थाने में पहुँच कर खुद पर पेट्रोल डाल दिया। वहीं अजाक थाने के पुलिसकर्मी बचाव करने के बजाय खुद को बचाते नजर आए। मामले में पुलिस का कहना है कि कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद तेजू बाबा एक अन्य कांग्रेस के ही पूर्व पार्षद हिमांशु जोशी का कुछ दिन पहले आपस में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ आवेदन दिया है, जो कि मामला अभी जांच में है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। हमारी सरकार है और मेरी सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर, हमारी सरकार आदमियों से नहीं हो रही यहाँ पर। मैं हिमांशु जोशी के खिलाफ 24 तारीख को आवेदन दे गया था, तो मैडम आले टाले रोज के रोज कर रही है, रोज के रोज आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। क्या पता वो दारू वालों से कुछ सेटिंग हो गई, क्या हुआ उनकी, वो दारू का धंधा कर रही है आजकल हिमांशु जोशी। हमारा झगड़ा क्या है, उससे है पुराना झगड़ा हुआ था कार्तिक मेले में, कार्तिक मेले में इसकी दुकान है पाप काली, वो आजकल दारू का धंधा कर दिया तो दुकान नहीं लगाता है। तब से उज्जैन वाला आ गया कि यार बाबा दुकान की है, तो भैया जाके मिल गया उनसे, इतना है भी बात। वो आए खिड़सा कर उस दिन और गाली गुप्ता करने लग गया वहाँ पर, मानो मानो भवन के वहाँ माँ बहन गाली बजने लग गया है, बातें सुनना शब्द बोलने लगा, बिल्कुल जो उसको नहीं बोलना चाहिए वो तक गाली गुप्ता करने, तुम चमाटे हो बने हो ये है वो है, ये अभी मामला संज्ञान में आया है अजाक थाने में। एक पूर्व पार्षद है उनके द्वारा कुछ लिक्विड जो है ज्वलनशील अपने ऊपर छिड़का गया है थाना परिसर में। पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उनका कहना है उनके द्वारा एक पूर्व पार्षद के विरुद्ध शिकायत की गई थी, जिस पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जो जिसके खिलाफ इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जो अनावेदक है उसके द्वारा भी इनके विरुद्ध एक शिकायत दी गई है। मामला आपसी विवाद का जान पड़ रहा है प्रथम दृष्टया। ये दोनों ही आवेदन को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया गया है कि दोनों जिसमें आवेदक हैं उनकी सुनवाई समक्ष में की जाए और जो भी वैधानिक कार्रवाई है इसमें जल्दी सुनिश्चित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन के अंजुमन नगर में